गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि आपको यह क्लास आपके हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, चाहे आप डिफेंस, बैंकिंग, टीचिंग, एसएससी, इंडिया में किसी भी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में जानेंगे। सेकंड, वर्ल्ड लंग कैंसर डे के बारे में जानेंगे। थर्ड, अभी हमें ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला है उसके बारे में जानेंगे। दलित बंधु प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के बारे में जानेंगे। राजीव मिर्चा, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए पहली न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है, द वर्ल्ड बेस्ट फीडिंग वीक इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त बिटवीन 1 to 7 अगस्त। विश्व में प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। 2021 के लिए थीम क्या है? प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। थीम 2021 में थीम है स्तनपान की सुरक्षा एक सहभागितापूर्ण जिम्मेदारी। ये आपके ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। हम आपको बता दें कि ब्रेस्ट फीडिंग आप बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि माँ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में बच्चे को 6 महीने तक तो ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, जिससे कि उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होता हो पाता है और माँ को भी बहुत सारे लाइक ओवरी कैंसर, इस तरह के कैंसर से निजात मिल पाती है और फैट भी रिड्यूस हो पाता है। और बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं जो कि दोनों ही बच्चे और माँ के लिए ज़रूरी है। आप हमें ये बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये आपका हेल्थ के बारे में कौन सा गोल बात करता है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड लंग कैंसर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 1 अगस्त एवरी ईयर। विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसके कारण क्या होते हैं लंग कैंसर के? सबसे बड़ा तम्बाकू, धूम्रपान, फिर उसके बाद रेडॉन गैस, एस्बेस्टोस, एयर पोल्यूशन। एस्बेस्टोस क्या होता है? एक तरह से मिनरल होता है जिसको आपको सूंघने से आपका ये कैंसर हो जाता है। तो आप चलिए ध्यान रखिए अपना, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पीवी सिंधु क्रंचेज द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया आफ्टर डिफीटिंग चाइनाज ही बिंग जियाओ। पीवी सिंधु अकेली वुमेन बन गई हैं जिन्होंने कि लगातार आपके 2 ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं। आपको पता होगा कि लास्ट ओलंपिक में इन्होंने जो कि 2016 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में, उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था, और अभी 2020 में कांस्य। ये आपके बैडमिंटन प्लेयर हैं और उनका नाम पूरा है पुसल्ला वेंकटा सिंधु। चलिए मैप में एक बार ये देख लेते हैं, टोक्यो रियो डी जेनेरियो 2020 में ओलंपिक टोक्यो में, वो आप देख पा रहे होंगे। जापान आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ा एक मिनट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका जापान है और आपका वो रियो डी जेनेरियो आपका कहाँ है? ब्राज़ील में पड़ता है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना से आ रही है, दलित बंधु इज़ द प्रोग्राम ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट। दलित बंधु एक तेलंगाना सरकार का प्रोग्राम है, उसके बारे में जानते हैं क्या है वो। वेलफेयर स्कीम फॉर एम्पावरिंग दलित फैमिलीज एंड इनेबल एंटरप्रेन्योरशिप एमंग देम थ्रू अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ ₹10 लाख पर फैमिली। दलित परिवारों को सशक्त और उद्यमी बनाने के लिए कल्याणकारी स्कीम है जिसके तहत ₹10 लाख पर परिवार पर फैमिली दिए जाएंगे। चलिए एक बार तेलंगाना के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, फिर उसको मैप में देखेंगे। इसकी कैपिटल हैदराबाद है जो कि आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हुआ था। CM के चंद्रशेखर राव जी हैं, गवर्नर तमिली साई सुंदर राजन है। चलिए मैप में देखते हैं तेलंगाना को, इस देख पा रहे होंगे। और तेलंगाना आपका साउथ का नेशन है, आपका स्टेट है ये तेलंगाना। हैदराबाद होगी कैपिटल, आंध्र प्रदेश अमरावती, इधर छत्तीसगढ़ रायपुर, इधर महाराष्ट्र मुंबई, इधर कर्नाटका बेंगलोर। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं।
इसको मैप में देख लेते हैं, और आप हमें ये बताइए कि ये सेंटर लेवल पे उस स्कीम का नाम क्या था जिसके तहत 6,000 रुपये दिए जा रहे थे किसानों को इलेक्शन के टाइम पर। चलिए, छत्तीसगढ़ आपको यहाँ मैप में देख पा रहा होगा, जिसकी कैपिटल रायपुर है, इधर मध्य प्रदेश हो गया भोपाल, ऊपर उत्तर प्रदेश लखनऊ, इधर झारखंड रांची, उड़ीसा भुवनेश्वर, इधर अमरावती, ये आपका आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, तेलंगाना हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा छत्तीसगढ़ के बारे में हमने कैपिटल देख लिया, रायपुर है, गवर्नर इसकी अनुसुईया यूकी है, और सीएम भूपेश बघेल साहब हैं। एक अगली न्यूज़ आ रही है, जीआई टैग्ड राजा मिर्चा ऑल्सो नोन एज किंग चिली फ्रॉम नागालैंड वॉज एक्सपोर्टेड टू लंदन। नागालैंड की राजा मिर्च को किंग चिली, भूत जोलोकिया और घोस्ट पेपर भी कहा जाता है, अभी इस मिर्च का निर्यात लंदन किया गया है। चलिए थोड़ा नागालैंड के बारे में जानते हैं, फिर इसको मैप में देखेंगे। इसकी कैपिटल कोहिमा है, गवर्नर आर एन रवि, रविंद्र नारायण रवि जी हैं, सीएम नेइफू रियो हैं। चलिए नागालैंड को मैप में देखते हैं एक बार। आपकी नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जो कि आपको यहाँ दिख पा रहा है, यहाँ पे ये नागालैंड यहाँ पे हो गया, जिसकी कैपिटल कोहिमा है, ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल ईटानगर है, असम दिसपुर, आपका मणिपुर इम्फाल, इधर म्यांमार। अच्छा, म्यांमार की आप कैपिटल बताइए जो कि अभी न्यूज़ में काफ़ी, और ये बताइए नाफ रिवर कहाँ है। चलिए एक बार देखते हैं हमने आज क्या क्या रिवाइज़ किया है। ब्रिटेन में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में जाना, जो कि 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे के बारे में जाना कि इसको ये किस किस वजह से होता है ये जाना। हमारे ये जो पीवी सिंधु जी हैं, उन्होंने अपना ओलंपिक का सेकंड मेडल जीता है बैडमिंटन में। दलित बंधु प्रोग्राम अभी आपका स्टार्ट किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इसके तहत 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। राजा मिर्च आपकी नागालैंड के, जिसको लंदन इम्पोर्ट किया एक्सपोर्ट किया गया है। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, अगर कोई डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।